الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدال على الخير كفاعله أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز علماء کرام اور محترم عزیز دوست اور بزرگوں جب تک یہ امت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں رہی اور جب تک اتباع میں رہے گی اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی اور دنیا کی اسکیموں کو اس کے مقابلے میں اللہ نیست و نابود کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ اب اس امت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے ہٹانے کے لیے اگر امت کے کسی فرد کو یہ کہا جائے کہ تو نعوذ باللہ اپنے رب کے بارے میں کچھ بول تو ایمانی غیرت گوارا نہیں کرے گی اور رب کی مخالفت میں مومن کی زبان سے کبھی کوئی جملہ نہیں نکلے گا۔ اسی طریقے سے اگر امت کے کسی فرد کو یہ کہا جائے کہ تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی والے الفاظ بول تو یہ امت نہ خود بولے گی اور اگر کوئی بولے گا تو اس کو برداشت کرے گی۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ پلیٹ فارم سے ہم اندر داخل نہیں ہو سکتے تو انہوں نے یہ سوچا کہ نام کا مسلمان رہے اور کام کا ہمارا رہے اور اس کا نام رب کی فہرست سے نبی کی فہرست سے نکل جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے، اس لیے انہوں نے اس دور میں یہ چال چلی کہ نیت نئے طریقے فیشن کے نام پر ہمارے معاشرے میں ڈال دی۔ امتی اپنی زبان سے گستاخانہ الفاظ تو نہیں بول رہا ہے لیکن اپنے عمل سے پیارے نبی کی گستاخی کر رہا ہے۔ زبان سے تو کہتا ہے پیارے آقا کا وفادار ہوں لیکن اس کا عمل مخالفت والا۔ تو یہ جو ہے ہمارے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں
मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा मुआशरा कितनी तेज़ी के साथ करवट ले रहा है। और हमारे मशाइख ने लिखा कि अगर अपने मुआशरे में सुधार लाना है, अगर मुझे फिक्र है कि मैं अपने मुआशरे में सुधार लाऊं, मेरे मुआशरे की इस्लाह हो, मेरा मुआशरा अल्लाह और उसके रसूल का वफादार रहे, तो दो चीज़ें इख्तियार करनी पड़ेगी। एक तो सादगी इख्तियार करनी पड़ेगी और दूसरे नंबर पर हया। ये दो चीज़ें अगर मैंने जो है अपने अंदर इख्तियार कर ली तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि दुश्मन जो है कभी भी मेरे मुआशरे पर गालिब नहीं आ सकता। और सादगी का ये सबक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिया, सहाबे किराम ने इसी सादगी को इख्तियार किया, इसके बाद जो है औलिया किराम ने इसी सादगी को इख्तियार किया। हक तबारक व ताला ने इनको दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाई और आखिरत में भी इज़्ज़त अता फरमाएंगे। तो अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गो, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन सादगी कितनी। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला को तवाफ़ करते हुए देखा, आपके कपड़े पर 17 पेवंद लगे हुए थे। और सैयद अहमद दहलान ने अपनी किताब फुतूहात इस्लामिया में ये वाक़या नकल किया कि जब जो है मलिकुल मौत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो इनके मकान को देख रहे थे। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने कहा, क्या बात है, क्या गौर व फिक्र कर रहे हो? तो कहने लगे, मैं देख रहा हूँ कि ये अमीरुल मोमिनीन का घर है और इसमें कोई चीज़ है ही नहीं, खाली घर। ये सादगी पर मैं ताज्जुब कर रहा हूँ, इतनी सादगी। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत उमर के इंतकाल के 2 साल के बाद मैंने ख्वाब देखा। पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या हाल है? कहा, अल्लाह ने मेरी मगफिरत कर दी, लेकिन हिसाब किताब से अभी फारिग हुआ हूँ 2 साल के बाद। जिसके घर का ये हाल के घर में कोई चीज़ नहीं, जिसका जो है रोब और दबदबा इतना, इस्लामी अहकाम पर जो है इतनी पाबंदी के साथ चलने वाले, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी, लेकिन हुजूर के दुनिया से जाने के बाद हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को तन्हाई में बुलाया और कहा, हुज़ैफ़ा कसम देता हूँ, सच सच बताओ, मेरा नाम तो मुनाफिकों की फहरिस्त में नहीं है। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप मुतमईन रहें, आपका नाम ये फहरिस्त में नहीं है। तो हज़रत उमर ने कहा, कसम खाओ। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कसम खाई कि अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, मुनाफिकों की फहरिस्त में आपका नाम नहीं। ये वो अमीरुल मोमिनीन है जो अपनी मौत से इतना जो है डर रहे, अपनी ईमान वाली फहरिस्त में मेरा नाम है यानी इतना डर है, और आज मैं मोमिन हूँ, मन की चाहत पर चल रहा हूँ और जो है अपने आप को मोमिन समझ रहा हूँ। हजरत शेख ने लिखा कि मौत के वक्त पता चलेगा कि ईमान के साथ गया है या बगैर ईमान के गया है, किसकी चाल चल कर गया है,
जिसकी चाल चल कर गया है उसी के साथ कयामत के दिन उठाया जाएगा। अगर ईसाइयों का तरीका पसंद था ईसाइयों के साथ, अगर यहूदियों का तरीका पसंद था यहूदियों के साथ, और अगर जो है हुनूद का तरीका पसंद था तो इनके साथ, जिसके साथ इसको मोहब्बत थी उसी के साथ उठाया जाएगा। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्ग, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला नो का जमाना है। एक औरत तवाफ कर रही है, उसको जो है बदन में ऐसी बीमारी कि जिससे तवाफ करने वालों को तकलीफ हो रही है। हजरत उमर ने कहा कि मेरी बहन तुम जो है तवाफ मत किया करो, बगैर तवाफ के अल्लाह तुमको सवाब दे देगा, तुम्हारी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। अब ये आप मुफ्तियाने किराम से पूछ सकते हैं कि कैसी बीमारी हो तो वो मस्जिद में ना आए। तो वो औरत जो है चली गई। कुछ मुद्दत के बाद अल्लाह के घर का जो है शौक, जियारत का शौक इसके दिल में जो है जोश मारने लगा और अपने मकाम से निकली कि अमीरुल मोमिनीन से मन्नत और समाजत कर कर ऐसे वक्त में तवाफ कर लूँ कि जिससे किसी को तकलीफ ना हो। मक्कतुल मुकर्रमा के शौक में, बेतुल्ला के शौक में ये जो है मक्का की तरफ आई। किसी ने इस औरत को देखा कि ये वही औरत है जिसको अमीरुल मोमिनीन ने हरम में आने से मना किया और वो औरत आ रही है। इन्होंने आगे बढ़कर उस औरत से कहा कि तुमको एक खुशखबरी सुनाऊं। औरत ने कहा क्या खुशखबरी? कहा अमीरुल मोमिनीन जिन्होंने तुझे बेतुल्ला का तवाफ करने से रोका था उनका इंतकाल हो चुका, ये जो है खुशखबरी है, अब आज़ादी के साथ तुम तवाफ करो। वो औरत वहीं खड़ी हो गई और कहने लगी कि मुझे पता नहीं था कि उमर दुनिया से रुखसत हो चुके, जब उमर की हयाती में उमर की नाफरमानी नहीं की तो उमर के इंतकाल के बाद उसकी नाफरमानी कैसे करूं। वापस चली गई। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये जो है बादशाह है, अल्लाह ने जो है अमीरुल मोमिनीन बनाया, लेकिन सादगी कितनी। इसी तरीके से तमाम सहाबे किराम की ज़िंदगी को आप उठाकर देख लें, सादगी से भरी पड़ी। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाहु ताला, जिनको खलीफे खामिस भी कहा गया, जुमा की नमाज पढ़कर अपने घर पर जो है तशरीफ़ लाए और अपनी बेटी से कहा कि मुझे पानी पीना है, पानी दो। बेटी ने अपने अब्बा की बात को सुन भी लिया और अमल करने के लिए तैयार भी हुई, लेकिन जो है जा न सकी। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ने कहा बेटा आपके कानों में मेरी आवाज़ पहुंची या नहीं पहुंची? क्या मेरे बच्चे नाफरमान हो गए? क्या बाप की इताअत को छोड़ दिया? हज़रत उमर की बीवी हज़रत फ़ातिमा ने अपने शोहर के ये अल्फाज सुने और जो है भागती हुई आई और कहने लगी अमीरुल मोमिनीन आपके बच्चे आपके नाफरमान नहीं हुए, जिस वक्त आपने आवाज़ लगाई आपकी बेटी ने जो है आपकी आवाज़ को सुना और पानी का गिलास भी भर लिया, लेकिन आपकी बेटी का कपड़ा एक जगह से फटा हुआ है। वो शर्म महसूस कर रही थी कि अब्बा के सामने ये फटे हुए कपड़े से कैसे जाऊं, वो बैठकर अपना कपड़ा सी रही है और कपड़ा सी कर आपको पानी दे रही है। ये सादगी है। इन्हीं की सीरत में लिखा है कि एक मर्तबा अपनी बच्चियों को बुलाया कि आओ मेरे पास,
मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। बच्चियों ने अपने मुंह पर दुपट्टा रखा हुआ था। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहीमहुल्ला ने कहा कि बेटियां, क्या बात है, अपने बाप के चेहरे को देखना तुमको पसंद नहीं, मेरी बात को सुनना तुम्हें पसंद नहीं, तुमने अपने मुंह पर ये जो है क्या लगा रखा है। बेटियों ने कहा कि अब्बा जान, आज घर में खाने को कुछ नहीं था, हमने प्याज और रोटी खाई है और प्याज की बदबू से आपको तकलीफ ना हो इसलिए हमने ये दुपट्टे रखे हुए। ये अमीरुल मोमिनीन बादशाह है। आज हम ये समझते हैं कि मुझे अल्लाह ने माल दिया, मैं आज़ाद, मेरे बच्चे जहाँ चाहे इसका इस्तेमाल करे आज़ाद, नहीं। शरीयत ने जो हम सबको तालीम दी उसी तालीम पर चलना मालदार के लिए भी ज़रूरी, गरीब के लिए भी ज़रूरी, ओहदे वाले के लिए भी ज़रूरी, बेओहदे वाले के लिए भी ज़रूरी, ताजिर के लिए भी ज़रूरी, मुलाजिमत के लिए भी ज़रूरी, मर्द के लिए भी ज़रूरी और औरत के लिए भी ज़रूरी। औरतों ने आज जो है इस फैशन वाली हवाओं से ज़्यादा जो है अपने आप को महजूज कर लिया, ज़्यादा फ़ायदा उठाया कि कौन सी स्टाइल का कपड़ा नया आया पहले मैं पहन लूँ, किसी को जो है पता न चले और मेरा जो है नाम हो जाए और वो कपड़े कैसे हैं जिसके पहनने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। वो कपड़े जो बदन की जो है साख्त को जाहिर करते हो, बदन की नशो नुमा को जाहिर करते हो, इतने फीट कपड़े हों कि जिससे बदन का उज़्व जाहिर हो रहा हो, ऐसे कपड़े पहनने से शरीयत ने मना किया। मेरी बच्ची वही कपड़े मुझसे मंगवा रही है और मैं लाकर दे रहा हूँ, मेरा बच्चा जो है बर्थडे का केक मेरे पास मंगा रहा है और मैं लाकर दे रहा हूँ, मेरी बीवी जो है शादी की एनिवर्सरी की चीज़ें मेरे पास मंगवा रही है और मैं लाकर दे रहा हूँ, तो ये गुनाह के कामों में मैं मोइन और मददगार बन रहा हूँ, जितना वो गुनाह करने पर उसको जो है वबाल है इतना मेरे ऊपर भी वबाल है। इसीलिए उलमा ने लिखा कि गीबत करना हराम है, जिस तरह से गीबत करना हराम है इसी तरीके से गीबत का सुनना भी हराम है। कुछ लोग चुपचाप खड़े, मैं गीबत नहीं करता, किसी की गीबत हो रही है सुन रहे हैं, तो जिस तरीके से गीबत करना हराम इसी तरीके से गीबत का सुनना ये भी हराम है। तो मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, अब ये फैशन परस्ती की हवाएं इतनी तेज़ी के साथ चली कि हमारी बच्चियां बाल खुले रख रही हैं, ना महरम के सामने इसको खोल कर निकल रही है, बाल नज़र आ रहे हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ सिखरवी दामत बरकातुह ने अपने इलाके का एक वाकया लिखा। उन्होंने अपनी किताब के अंदर एक हदीस नकल की, पहले वो हदीस नकल करो। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में जहन्नम देखी और जहन्नम के अंदर कुछ औरतों को देखा कि उनके बाल जो है बालों से पकड़कर उनको लटकाया गया है। पूछा ये कौन है, तो कहा ये वो औरतें हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बालों को नामहरम के सामने खोला। औरत के बाल भी सतर हैं, ना महरम के सामने इसको खोल नहीं सकती, लेकिन आज जो है ये फैशन के नाम पर इतना आम हो गया। आगे चलकर
मौलाना लिखते हैं कि एक इलाके में कुछ लोग कब्र के पास से निकले तो कब्र में से ही आवाज़ आ रही थी, मैं जिंदा हूँ मुझे निकालो। अब उन्होंने गांव में आकर कहा कि भाई ऐसी आवाज़ हमने सुनी, तो लोग मजाक करने लगे कि कब्र में से भी कभी कोई वापस आया है, चलो मान लो अगर जिंदा भी है तो इसको इंतकाल हुए, इतने मुद्दत हो गई, अंदर जो है वैसे ही मर गया। कुछ लोग फिर और वहाँ से निकले, उन्होंने भी आवाज़ सुनी। अब गांव वालों ने कहा कि चलो हम सब जमा होकर उस कब्र के पास जाए और तहकीक करें कि है क्या चीज़। जब कब्र के पास पहुँचे तो अंदर से आवाज़ आई, मैं जिंदा हूँ मुझे निकालो। वहाँ के उलमा से पूछा कि क्या करें, उलमा ने कहा कि जिनके दिल मजबूत हों ऐसे चार पांच आदमी जो है इस कब्र को खोले। तो ऐसे आदमियों को मुतायन किया गया और कब्र खोलने के लिए कहा गया। जब कब्र खोली गई तो अंदर से जो है एक औरत निकली और जो है भागी। लोग जो है इसके पीछे भागे। ये एक मकान में दाखिल हुई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। गांव वाले जो है ठोकने लगे कि खोलो तो सही, लेकिन वो खोल नहीं रही। आखिर में लोगों ने जो है दरवाजे को तोड़ा और अंदर दाखिल हुए तो वो औरत के जो है सर के बाल बिल्कुल उतरे हुए थे, गंजा था, सर जो है जला हुआ था। कहा ये क्या है, का जब मैं हयात थी अपने बालों को खुले रखा करती थी, जिसकी वजह से जो है मेरे सर के बाल जल गए। इतनी देर में इसके चेहरे से चादर हटी तो देखने वालों ने देखा कि इसके दोनों होंठ भी जले हुए हैं और अंदर से जो है दांतों का जबड़ा नज़र आ रहा है। का ये क्या चीज़ है, का मैं लाली और लिपस्टिक लगाया करती थी जिसकी वजह से मेरे होंठ जला दिए गए। मेरे प्यारे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, ये अभी अभी का वाकया, बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ। तो हमें जो है इन तमाम वाकयात को बतलाकर आगे मौलाना ने लिखा है कि वो दो तीन बातें कहकर फिर ज़मीन पर गिर गई और फिर जो है उसको उसी कब्र में दफन कर दिया गया। हमको ये सब वाकयात अल्लाह बतलाते हैं इबरत के लिए कि इबरत हासिल करो, मौत को याद रखो। किसी नौजवान को मालूम नहीं कि जुमा के बाद जो है घर पहुंचने से पहले मेरी मौत आ जाएगी। किसी जो है तंदुरुस्त को, किसी बूढ़े को, न मुझे न आप में से किसी को अपनी मौत का इल्म नहीं, तो क्यों ना हम नबी की वफादारी में कदम उठा लें, नबी की इताअत में कदम उठा लें और अल्लाह के घर में बैठकर जो है सच्ची और पक्की तौबा कर लें कि रब गलती हो गई, आइंदा ये गलती नहीं होगी। अब तो अल्लाह आपके बताए हुए अहकाम पर और आपके प्यारे नबी के बताए हुए तरीक़ों पर हम चलेंगे। मेरा अजीज दोस्त और बुज़ुर्गों, अपनी बच्चियों को भी हम समझाएं कि मेरी प्यारी बेटी तू जिस चीज़ को अपने होंठों पर लगा रही है, जिसके लगाने को शरीयत ने हराम करार दिया, इसका लगाना हराम है, तू क्यों गैरों के तरीक़ों को अपना रही है, तू अपने चेहरों पर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है अपने आप को खूबसूरत बतलाने के लिए। ओ मेरी बेटी, अगर तू नबी की वफादार उम्मती बन गई, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर चलने वाली बन गई, तो ये सुन्नत का नूर अल्लाह तेरे चेहरे पर इतना उतारेगा जो दुनिया के किसी क्रीम में इतना नूर नहीं, इतना गुलो नहीं है किसी में। आज बच्चियां ये शिकायत करती हैं हमारी उम्र हो गई, रिश्ता नहीं आता। अब वो रिश्ता लाने के लिए क्या करती हैं, अल्लाह के नबी के तरीक़ों के खिलाफ अपने आप को चलाती कि बन सवर कर मैं निकलूं, किसी को पसंद आ जाऊं,
गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, अगर नबी के तरीके के खिलाफ तूने अपने आप को चलाया, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह की लानत और अल्लाह के नबी की लानत की शिकार हो और ये चेहरा न दुनिया में किसी को पसंद आए और न आखिरत में जो है कोई इसको पसंद करे। मेरा नौजवान अपनी शादी के लिए अपने चेहरे को नबी के तरीके के खिलाफ कर रहा है कि अगर जो है नबी की सुन्नत पर चलूंगा, कोई चाचा कहेगा, कोई मामू कहेगा, कोई दादा कहेगा, और घर वाले भी कहते हैं कि ये चेहरा जो है अभी मत रखो, निकाह के बाद रख लेना, तो ये जो है न माँ को मालूम है न बाप को मालूम है कि मेरा ये जवान बेटा निकाह से पहले दुनिया से चला जाएगा, तो कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी को क्या चेहरा बतलाए। मेरे नौजवान ने ये समझ लिया कि मेरी खूबसूरती नबी के तरीके के खिलाफ चेहरा रखने में है, हालांकि वो जानता नहीं कि नबी के तरीके के खिलाफ तेरा चेहरा अल्लाह की लानत का शिकार, अल्लाह के नबी की लानत का शिकार, अब ये चेहरा जो है लोगों में नफरत वाला बनेगा। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, हमने जो है ये अमली इकदाम छोड़े जिसकी वजह से आज जो है इस्लामी ममालिक भी दीनी दावतों पर जो है एतराज़ करने लगी कि जिस दावत के काम के ज़रिए से उम्मत के अंदर जो है फ़ज़ाइल को आम कर कर उम्मत को शौक़ और रग़बत दिलाई जाती है कि ये अमल करो इतना सवाब, जुमा के दिन दुरूद पाक पढ़ो इतना सवाब और सूरह कहफ पढ़ो इतना सवाब, ये फ़ज़ाइल जो है दावत और तबलीग के ज़रिए से बतलाए जा रहे, लेकिन आज इसको भी जो है निशाना बनाया जा रहा है। क्यों? अगर हम सब अमल करते होते तो हमारा अमल जो है ये इनके लिए बहुत बड़ी दावत होता, लेकिन ये लोग जानते हैं कि मेरे जैसा मौलवी बयान तो कर रहा है लेकिन खुद की ज़िंदगी अमल से खाली, तो मुझे अपने आप को पहले अमल के लिए खड़ा करना है, जी चाहे ना चाहे नबी का वफ़ादार बनना है, अल्लाह का वफ़ादार बनना है, इसके लिए जो है कदम उठाना पड़ेगा और इसके लिए लोगों के तान और तस्नी सुनने पड़ेंगे, दावत और तबलीग के लिए जो है मुझे अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, चाहे जो है लोग कुछ भी ताना दे, मुझे जो है अपने आप को आगे करना है। जब मैं आगे बढ़ूंगा, शुरू में हालात आएंगे, लेकिन जब अल्लाह आगे बढ़ाने का फैसला कर लेगा तो फिर कोई रोक नहीं सकता। ला मानिया लिमा आतई वला मोतिया लिमा मनात, जिसको अल्लाह देने पर आ जाए उसको कोई रोक नहीं सकता और जिससे अल्लाह रोकने पर आ जाए उसको कोई दे नहीं सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त हो चुका, बस जो है मैं भी हम सब भी मोहताज हैं अल्लाह से जो है माफ़ी मांगे कि रब्बे करीम, बड़ी ज़िंदगी का अरसा आपकी नाफरमानी में गुजर गया, आइंदा जो है ये नाफरमानी नहीं होगी, आपकी जो है फरमा बरदारी में हम जिएंगे और आपके नबी की इत्तिबा में हम जिएंगे, और पिछली ज़िंदगी पर शर्मिंदगी है कि न मालूम मैंने अपने हाथों से किन किन लोगों को सताया, तकलीफ़ें पहुँचाई, सबकी माफ़ी भी मांगनी है, जिनके हक मेरे ऊपर आपने वाजिब कर रखे हैं उनके हुकूक़ को भी मुझे अदा करना है, तो मेरा रब जो है आज भी मुझे भी हम सब को माफ़ करने के लिए तैयार है। हक तबारक व ताला मुझे हम सब की जो है इस तौबा को कबूल फरमा कर अपनी रहमत वाला हिस्सा हम सब को जो है अता फरमाए और अपने गुस्से से और गुस्से वाली नज़र से हमारी, हमारे अहलोयाल की, हमारी तिजारत और कारोबार की, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।